बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर वकीलों का हंगामा आज देखने को मिला है। वकीलों ने हड़ताल की थी, जिला जज ने नहीं मानी वकीलों की हड़ताल, जहां मिला जिला जज और डीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर वकीलों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल आज वकीलों ने हड़ताल की थी, जिला जज ने वकीलों की इस हड़ताल को नहीं माना, जहां जिला जज और डीएम के खिलाफ नारेबाजी यहां पर जमकर हुई है। तो डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन इस हड़ताल को जिला जज ने नहीं माना। तो तस्वीर आप देख सकते हैं हंगामे की, जहां पर आज वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया था। और फिलहाल ये वो तस्वीरें जहां पर ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी। और अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, आखिरकार हड़ताल का ऐलान क्यों इन वकीलों के जरिए किया गया था और फिर ये हंगामा क्या? और बिल्कुल देखिए, जो कलेक्ट्रेट कंपाउंड है जहां पर वकीलों के चैंबर बने हुए हैं, वहां पर एक कैंटीन को लेकर एक नींव खुदवाई गई थी, जहां पर प्रशासन द्वारा रात में उसको भरवा दिया गया, ऐसा वकीलों का आरोप था। और इसी के चलते जितने भी वकील थे उनमें खासा रोष था, और उन्होंने जो पार्षद के अध्यक्ष है गाजियाबाद के सुनील दत्त त्यागी, उन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए एक लेटर लिखा गया और सभी वकीलों को प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन ये जो प्रस्ताव था हड़ताल का, ये जो जिला जज है उन्होंने इसको नहीं माना और असहमति जताई, जिसके चलते जितने भी वकील थे उन्होंने भी खासा रोष हुआ। सभी लोग जो वकीलों के चैंबर छोड़कर सभी लोग न्यायालय पहुंचे और वहां पर जिला जज के चैंबर के बाहर पर उन्होंने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, क्योंकि वजह साफ थी, क्योंकि जो कैंटीन बननी थी उसके लिए जो नींव खुदवाई गई थी उसको प्रशासन ने देर रात भरवा दिया गया, ऐसा आरोप वकीलों ने लगाया। और उसी के चलते जितने भी बाहर के वकील थे सभी में खासा रोष था और इसी वजह से आज वो हड़ताल करना चाह रहे थे। चलिए, धन्यवाद आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।